युवराज, युवराज रसिक मामा आज पूजा में मुझसे इंतजार। पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है इससे मैं बहुत नाराज हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस तरह से आज रसिक मामा मुझसे बात कर रहे थे वो। पवित्रा, मैं जानता हूँ अब तुम्हें इस परिवार के हर एक आदमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आएगी। युवराज, मुझे लगता है कि रसिक मामा मेरी सच्चाई के बारे में जान चुके हैं। पवित्रा, मैं तुम्हारी बात नहीं। पवित्रा, मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। युवराज, ओहो प्रभु, अचानक मुझे एक विचार है। गरोड़िया खानदान तो धन्य हो गया ऐसी बहू पाकर, जो परिवार के सदस्यों के साथ साथ गरीब लाचार बेसहारा बच्चों की विधवाओं की इतनी सेवा करती है, परिवार के नाम से इतना दान पुण्य करती है, भगवान की इतनी पूजा अर्चना करती है, घर की इतनी अच्छी बहू, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने सोचा कि इतनी सुंदर इतनी सुशील बहू को इस मामा की तरफ से एक गिफ्ट तो मिलना चाहिए। हक है उसका, तो उसी हक से मैं उसे ये गिफ्ट देने आया। लो बेटा, लो लो लो, तुम्हारे लिए ही है, लो और खोल कर देखो इसे, ये गिफ्ट तुम्हें बहुत पसंद आएगी, लो। अरे खोलो ना, खोलो खोलो, खोल के देखो, देखो कितनी सुंदर सी गिफ्ट है ये तुम्हारे लिए। मामा, मामा ये सब क्या है? परिवार की बहू को कोई ऐसे गिफ्ट देता है? जिस तरह ये गिफ्ट देकर बहू के माथे पर पसीना आया, उसी तरह तुम्हारे माथे पर भी पसीना आ जाएगा। तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है मेरे पास। इनफैक्ट ये गिफ्ट दोनों के लिए। क्यों आया पसीना? नहीं, इसी तरीके का एक गिफ्ट जो है वो मैंने जीजा जी और बहन के लिए भी संभाल के रखा है। आश प्रभु, thank you.
युवराज जल्दी से मामा जी को रुको वरना। रिंका तुम समझने की कोशिश करो, गौरी की बात को लेकर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। आपने हमेशा मुझे गलत समझा है। देखा, फिर से गलत समझी ना तुम मेरी बात। जीजा जी, बहना, मुझे आप दोनों से एक खास बात करनी है। क्या बात है रसिक, क्या हुआ? नहीं, वो बात मैं आप लोगों को यहां नहीं बता सकता। आप लोग कमरे में चलिए, मैं आपको सब बताता हूं। आओ। मुझे अपने ही बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। एक ही छत के नीचे एक ही परिवार में रहकर इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो युवराज, जवाब दो। पापा, वो मैं वो क्या, मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। तुम्हें हमें ये बात बतानी चाहिए थी ना? बेटा, तुम्हें हमें ये बताना चाहिए था कि कल हमारी बहू पवित्रा का जन्मदिन है। तुम्हारे माता पिता का इतना भी हक नहीं कि वो अपनी बहू का जन्मदिन खुशी से मनाए, उसे आशीर्वाद दें? अब चुप क्यों हो गए युवराज? कुछ नहीं पापा। नहीं पापा, कुछ नहीं। दरअसल मैं आप लोगों को बताने ही वाला था कि कल पवित्रा का जन्मदिन है। का मतलब मामा ने मामा पापा को पवित्रा की असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया। करोड़िया खानदान में शादी के बाद हमारी बहू का पहला जन्मदिन, और देखना हम ये जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अरे लोग तो तारीफ करते रह जाएंगे। रिंका, गौरी के साथ जो हुआ है, लक्ष्मी की जिंदगी में जो हादसा हुआ है, ऐसे में हमें इतनी जल्दी परिवार में जश्न नहीं मनाना चाहिए। जब तक खुशी हमारे दरवाजे पे लौटेगी नहीं, तो इस घर के दुख कैसे दूर होंगे? और मुझे पूरा यकीन है कि इस जन्मदिन की पार्टी से दुख का माहौल खुशी में बदल जाएगा। करोड़िया खानदान की पार्टी में तो शहर के नामचीन लोग आएंगे, और अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो मेरी अब तक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये पार्टी नहीं होनी चाहिए। देखो, ये मुमकिन नहीं है। मम्मी जी, बापू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा परिवार अब जिस दौर से गुजर रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें पार्टी करनी चाहिए। लेकिन मम्मी जी,
एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, जब हमारे परिवार में खुशियां लौट कर आ जाएंगी, तो आपकी आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ माँ, पवित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। कितना मजा आ रहा था ना जंगल में, वो पेड़ों की ठंडी छांव, वो कटीली झाड़ियां, मैं तो बहुत मिस करूंगा। हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। करण, भगवान जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, कम से कम हम सबको तुम्हारी इन बातों के टॉर्चर से छुटकारा तो मिला। क्या लक्ष्मी? अरे देखते ही देखते राजपिपला भी आ गया। ड्राइवर साहब, गाड़ी आगे रास्ते में ही रोक देना, मैं वहां से पैदल चला जाऊंगा। एनीवेज थैंक यू। तुम जैसे हमसफरों के साथ सफर कितनी आसानी से कट गया। करण, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें घर तक छोड़ सकते हैं। So nice of you, दुर्गा। अपनी इस बहन को भी थोड़ा सिखाओ ना। तुम शायद जा रहे थे ना? हाँ हाँ जा रहा हूँ। दुर्गा, मैं आगे यहीं उतर जाऊँ। बाय लक्ष्मी। बाय करण। ओके दुर्गा, फोन करना। बाय। आज तो हम बच गए, क्योंकि आज मामा ने हमारी असलियत पर झूठ का नकाब रहने दिया। लेकिन डर तो मुझे उस दिन का है जिस दिन हमारा राज सबके सामने होगा। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो भांजी। तुम्हारा ये राज जानबूझकर सबसे छुपा के रखा गया। हाँ, पर ये भी हो सकता है कि ये सच हकीकत बनकर कभी भी किसी भी वक्त सबके सामने आ जावे। यू नेवर नो। लेकिन मेरी सलाह तो यही है कि तुम आने वाले वक्त का सामना करने की तैयारी अभी से शुरू कर दो। क्या है कि तूफान दस्तक देकर नहीं आता ना, उसकी एंट्री विदाउट दस्तक होती है, और जैसे ही होती है सब कुछ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। तुम भी अपने परिवार की नफरत को झेलने के लिए तैयार हो जाओ, और वैसे भी इस परिवार की नफरत इस पवित्र कजरी के प्यार के सामने है ही कितनी, इतनी सी है ना। अरे इस प्यार को पाने के लिए तो कोई भी आशिक हजारों तूफानों का सामना करने के लिए हंसते हंसते तैयार हो जाए। आखिर कजरी चीज ही ऐसी। इन आँखों की मस्ती, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। मामा, एक मिनट। इस शम में फरोज। मामा, ये पैसे रखिए। सब कुछ जानने के बावजूद आप वहां पर चुप रहे, उस एहसान की कीमत है। ओ, प्रभु,
वैसे ही मैं तुम्हारे बापूजी से बहुत कुछ ले चुका हूँ और जितना ले चुका हूँ उससे बहुत खुश हूँ। ये पैसे तुम अपने पास रखो। कहने के अभी तो बापूजी का हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है। हो सकता है ये हाथ किसी भी वक्त सर से उठ जाए। उस दिन काम आएंगे ये पैसे। तुम अपने मामा जी को तो अच्छी तरह जानते हो। अगले पल क्या कर ले ये तो आने वाला पल ही बता सकता है। लक्ष्मी घर वापस आकर और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों के बगैर घर बिल्कुल सूना था। गौरी दीदी तो हम वापस आ गए ना। अब आप मत रोइए। माँ, दीदी, गौरी दीदी, दीदी गौरी दीदी, गौरी दीदी क्या बात है, आप इतना क्यों रो रही हैं? माँ दीदी क्या हुआ बताइए, गौरी दीदी बताइए क्या हुआ? कहाँ तक पहुंचा अपना प्लान? पहुंचना तो दूर, अब तक तो शुरू भी नहीं हुआ है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? हाँ रसिक भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रसिक मामा को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। क्या? कैसे? न जाने क्यों रसिक मामा सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे कौन सा राज है। उन्होंने तो सबके सामने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि घर वालों के सामने मेरे जन्मदिन की झूठी कहानी बना दी। रसिली भाई अब तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। करना क्या है? इस झूठे जन्मदिन का फायदा उठाओ। अपने प्लान का आगाज करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्या समझी? हाँ रसिली भाई, मैं समझ गई। लक्ष्मी मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो वहां से पवित्रा को देखने गई थी और घर में इतना सब कुछ हो गया और किसी ने हमें बताने की जरूरत तक नहीं समझी। गौरी दीदी कम से कम आप तो मुझे बता देती। हाँ लक्ष्मी तू पहले से इतनी दुखी थी, हम तुझे ये खबर सुनाकर और परेशान नहीं करना चाहते थे। दीदी
रोना बंद कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया, और यही बात अब इस घर का हर सदस्य भी जान जाएगा। पवित्रा वहां क्या कर रही थी? वहां मौजूद होते हुए भी उसने आपकी कोई मदद क्यों नहीं की? आपको पुलिस से क्यों नहीं बचाया? इन सारे सवालों का जवाब तो मैं पाकर ही रहूं। आप बिल्कुल मत रोइए दीदी, मैं आ गई हूं। अब आप बेफिक्र हो जाए। जो बातें हमारे घर में सिर्फ सवाल बनकर सांस ले रही हैं, उनके जवाबों तक अब मैं पहुंचूंगी।